गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज रेडवे सोल्जर, आपका अपना आर्मी भाई। ये है शेजू तानी पार्टनर की बिल्डिंग और तानी पार्टनर यहाँ पे मौसम हो रहा है ख़राब। यहाँ पर बारिश की पूरी पूरी संभावना है। इनफैक्ट सुबह बारिश हो चुकी है, ये देख सकते हो पूरा का पूरा एरिया गीला है। हमको स्टील पार्किंग मिल गया था, सो थैंक गॉड। बाइक तो भीगी नहीं बट मेरे कपड़े भीग गए हैं। सॉरी BMW, आपका जो बैग है दैट यू कॉल्ड सो कॉल्ड वाटरप्रूफ बैग इनर वाला, वो लीक हो चुका है, उसके अंदर पानी भर चुका है। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं टूवर्ड्स ओरछा, दैट इज़ नियर बाय झांसी। चलो चलते हैं झांसी की ओर। बिफोर दैट ब्रेकफास्ट भी करते हैं। चलो डार्लिंग पार्टनर, ब्रेकफास्ट गाड़ी में चल। रात को देखा था आप लोगों ने मेरा एवरेज कितनी भी नहीं था, तो नाउ आई हैव टू फ्यूल एंड ब्रेक से यहाँ पर वो तेरी माँ का 105 रुपये 106 रुपये सही है भाई। पूरा गांव घूमने के बाद में हम लोग आए हल्दीराम में ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी यहाँ पर पार्किंग नहीं था, ये भाई साहब मुझे पार्किंग दे नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती मैंने पार्किंग ली है इनसे, बिकॉज मुझे बोलना पड़ा उनको कि सालों तुम्हारे कार से भी महंगी बाइक है। नाउ द बाइक इज पार्क्ड एंड वी आर गोइंग इनसाइड। यस सर घूमने की बाइक ले लो आप, ये जो कंफर्ट लेवल है वो आपको सिर्फ स्कूटी में ही मिलेगा, और वो कंफर्ट लेवल ये है, क्या बात है। भाई जस्ट हम लोग अभी बाहर निकलने वाले हैं नागपुर शहर से, और सामने आपको दिखाई दे रहा है बादल। इतने सारे घने बादल मेरा भाई। मैं पिछले बार भी इस रास्ते से आया था और मुझे कुछ स्पेशल आपको दिखाना था आज इस रास्ते के बारे में, बिकॉज देयर इज बेस्ट थिंग टू शो इस रास्ते के बारे में, इसलिए एक्चुअली मैंने ये रास्ता चुना है। बट इतने बारिश में मैं कैमरा कैसे ऑन करूँगा भाई, कसम से यार बहुत ही डेंजरस लग रहा है, मतलब इतना तेज़ बारिश होने वाला है। बट मैं आज पीछे नहीं हटने वाला हूँ, आज मैं कैसे भी हो सके तो शूट करके ही रहूँगा, पूरी पूरी कोशिश करूँगा आपको वो एरिया दिखाने के लिए और वहाँ की खासियत दिखाने के लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद मी, लव यू ऑल, बाय। डिसीजन कि मैं थोड़ा सा बारिश में भीगते हुए सुपर फास्ट मोड में थोड़ा आगे आ गया, और मैं यहाँ पर एक ब्रिज के नीचे में रुक गया, तो यहाँ पर बारिश में भीगने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है और बाइक भी नहीं भीगती है, बेटर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि आसमान अभी साफ हो गया, एकदम क्लियर, क्लीन बिल्कुल, नो बारिश, होकर क्लियर, यहाँ पर बारिश होकर के चली गई है और अभी बारिश यहाँ पर नहीं हो रही है। बट तो ये सारा तामझाम पहनना और फिर ये सारे तामझाम को उतारना इज लाइक अ बिग हेडेक, सबसे बड़ा हेडेक यही है।
अभी पूरा निकालना पड़ेगा, फिर इसको लगाना पड़ेगा। हम लोग हैं अभी जंगल में भाई, इधर से चला जाना भाई, प्लीज इधर से चला जाना भाई। अभी ये भाई मेरा गाड़ी निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर पूरा सब काम जाम निकालेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे इस जंगल की ओर। इस जंगल में कुछ तो भी खास है, क्या खास है इस जंगल की, थोड़ी देर में बताऊंगा। जैसा कि मैंने बोला था कि राइडर्स की ज़िंदगी में दुख ख़त्म नहीं होते, अभी मैंने जस्ट आपके सामने थोड़ी देर पहले ही अपने जैकेट वैकेट पैंट वैंट सब उतार दिए, और फिर उसके बाद में यहाँ पर फिर से मस्त वाला बारिश शुरू हो गया। बट लकीली हम लोग पहुँच चुके हैं कोई स्पेशल जगह पर। ये है मोगली स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट जहाँ पर मैं अभी हूँ। ये यहाँ पर मैं दाल खिचड़ी खा रहा हूँ, मस्त एकदम मस्त वाला है। और ये है गोलू भैया जो इस रेस्टोरेंट के मालिक है। मैं एक्चुअली आप लोग को बता रहा था कि मोगली सच में था, अगर आपको यकीन नहीं है तो ये अभी आपको गोलू भैया खुद बताएंगे यहाँ के बारे में क्या है। एक्चुअली आपने गोली इसके अंदर मोगली क्यों रखा आपके रेस्टोरेंट का नाम, आप खुद ही बताइए सब कुछ। सर मोगली एक्चुअली यहाँ की स्पेशलिटी है सिवनी की। सिवनी के पास में जंगल में एक बच्चा था गांव से जो भटक गया और जंगल पहुँच गया, तो वहाँ पे जंगल जाने के बाद उसकी परवरिश जानवरों ने की, वोल्फ ने भेड़ियों ने, तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ भेड़िए जैसी हो गई, वो पूरा वो वाइल्ड था। फिर लोगों ने उसे देखा जंगल में कि एक बच्चा जो जंगल में घूम रहा है बिल्कुल जानवरों के साथ रह रहा है, वैसे ही उसका बिहेव है, तो उसको देख के लोगों को लगा कि हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो फॉरेस्ट ने इसका सर्च किया, उसके बारे में जानने की कोशिश की, और उसे फिर 3-4 साल सर्च करने के बाद फिर जब उसके फॉरेस्ट वालों ने उसे पकड़ा उसे, तो फिर उसको बहुत कोशिश की कि हम उसको ह्यूमन बनाएं, उसको इंसान जैसा बनाएं और इंसान के पास आए और वो सारी एक्टिविटीज़ को समझे, लेकिन वो इतना ज़्यादा वाइल्ड हो गया था कि वो ह्यूमन बन ही नहीं पाया। उसे पिंजरे में रखा गया, बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं सीख पाया, और फाइनली वो फिर डेथ हो गई उसकी। इसके ऊपर अपने रुडयार्ड किपलिंग ने भी एक स्टोरी लिखी जिसका नाम था जंगल बुक। जंगल बुक थी वो स्टोरी, और जो आपने देखा होगा सारे बच्चों ने, मुझे मैंने भी और आप सभी लोगों ने और यासीन सर ने भी जंगल जंगल बात चली पता चला है yes. पेन के फूल खिला फूल खिला yes. तो एक्चुअली ये रियल है, इसमें कोई भी फेक नहीं है और ये ओरिजिनल स्टोरी है। और मोगली के नाम पे यहाँ पे कर्माचरी पार्क है अपना, पेंच नेशनल पार्क है, इसीलिए सारी चीज़ें उसके जो स्पेशलिटी है यहाँ की मोगली। थैंक यू सो मच। ये है यहाँ की स्पेशलिटी और यहाँ का फेमस चीज़ें, और ये बहुत बड़ा जंगल है बॉस। मैं जब रास्ते से आ रहा था मैंने देखा यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल है, और टाइम मतलब यहाँ पर
टाइगर वाइगर यहाँ पर जानवर तो नॉर्मल होगी ना सर? टाइगर का अभी लास्ट ईयर मूवमेंट यहाँ से था अपने रेस्टोरेंट की बाजू से। तो देखो भाई यहाँ से टाइगर गया था, बिल्कुल बाजू से ही रेस्टोरेंट के बाजू से गया था। यहाँ पे जाएंगे तो लिखा भी होगा टाइगर पाथ थ्रू करके, तो आपको दिखेगा बकायदा। अच्छा, टाइगर क्रॉस हुआ है यहाँ से, ये टाइगर पाथवे है। तो यहाँ से टाइगर वाइगर जो नॉर्मल है इनके लिए, मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए नॉर्मल है। और यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जंगल है। सो अगर आप यहाँ पर कहीं पर आसपास में जा रहे हो, मैक्सिमम लाइक यू नो मुंबई से, सॉरी नागपुर से जबलपुर जा रहे हो, जबलपुर से नागपुर जा रहे हो, तो इस जगह पर विज़िट करना बनता है। यह है मोगली रेस्टोरेंट और मैं हूँ आपका राइट विद सोल्जर आर्मी भाई। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल दी वीडियोज़। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई होगी तो आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं झांसी तक, सो बहुत कुछ आने वाला रास्ते में, स्टे ट्यून। सेव टमाटर रोटी मस्त गरम गरम, तो बाहर निकल रही है गरम गरम, बाहर बारिश हो रही है, इधर सेव टमाटर चल रहे हैं। चलो हम लोग पहुंच चुके हैं ओरछा, और ओरछा में खास करके ये होटल का नाम है ओरछा पैलेस, एंड दिस इज द पैलेस। बट ये पैलेस मैं तुमको कल दिखाऊंगा मेरे दोस्तों, अभी हम चलते हैं रूम की ओर। हाय, सो वी हैव रीच्ड टू आवर रूम, लेट्स स्टे हियर फॉर टुनाइट। बहुत ही प्यारा है नज़ारा, बहुत ही प्यारा। आई एम गोना स्टे हियर फॉर वन और टू नाइट्स, थ्री नाइट्स, नॉट श्योर, एंड देन आई एम गोना लीव बैक फ्रॉम हियर। लेट्स सी हाउ इज द रूम। हेलो 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 दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं होटल रूम में भी, सॉरी हम लोग पहले ही पहुंच चुके थे होटल रूम में। एक्चुअली मैं आने के बाद में शावर लेने चला गया, थोड़ा सा काम था वो काम कर लिया, एंड नाउ मेरा सामान सब जगह पता पड़ा हुआ है। ये एक्चुअली गीला हो गया था सब, सो उसको सुखाने रखा है बिकॉज ऑफ थैंक्स टू BMW के इनर वाटर प्रूफ पाउच बैग्स जो है, इसको वाटर प्रूफ बोलते हैं। कोई वाटर प्रूफ नहीं है BMW के दोस्तों, सो ये वाटर प्रूफ नहीं है। एंड आई होप आज का ब्लॉग एडवेंचरस था, बट या आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई एम लिटिल टायर्ड, आई नीड टू स्लीप, आई नीड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नीड टू गो फॉर द ब्रेकफास्ट एंड देन वर्क। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, स्टे विथ मी एंड लव यू ऑल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद, गुड नाइट, शब्बा खैर।